दोस्तों, क्या आपको पता है आप अपने माइंड में जो भी सोचते हो उसका असर आपकी बॉडी की हर एक सेल पर होता है। अगर आप सोचोगे मैं बीमार हूँ तो आप धीरे धीरे बीमार हो जाओगे। और दोस्तों, क्या आपको ये भी पता है कि अगर आपसे कोई ये कहे कि यार तुम तो बदल गए हो, तो इसका मतलब है आपने सिर्फ वो चीजें करनी छोड़ दी है जो वो इंसान आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था, बाकी आप में कुछ नहीं बदला। और दोस्तों, क्या आपको ये भी पता है कि हम में से ज्यादातर लोग ज्यादा खुश होने से भी डरते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगले ही पल कुछ अनहोनी हो सकती है। दैट्स रियली अमेजिंग। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी 10 अमेजिंग एंड मजेदार साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, जिसे सुनते ही आपका एक ही रिएक्शन होगा, वाओ इट्स अमेजिंग। तो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर प्रोटॉन, सो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 10, प्यार का होना हर इंसान में पाया जा सकता है, क्योंकि ये एक नेचुरल चीज है जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये बॉडी में मौजूद हॉर्मोन्स के कारण होता है। लेकिन कुछ लोग आपने देखे होंगे जो प्यार के प्रति बहुत जुनून से भरे होते हैं, यानी ऐसे लोगों पर प्यार का जुनून सवार हो जाता है, और उनसे आप अक्सर ये सुन सकते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, या मैं किसी के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तो साइकोलॉजी कहती है कि ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उस इंसान की बॉडी में हॉर्मोन्स के बैलेंस में गड़बड़ी हो जाती है। किसी स्पेसिफिक हॉर्मोन के बढ़ जाने या घट जाने की वजह से ही वो इंसान ऐसा व्यवहार करता है। फैक्ट नंबर 9, साइकोलॉजी के अनुसार एक सामान्य व्यक्ति रोजाना लगभग 30% से ज्यादा वक्त इमेजिनेशन में बिता देता है, यानी एक एवरेज इंसान हर दिन अपने 24 घंटों का 30% समय बीती यादें याद करने में, या जो कुछ पास्ट में घटित हुआ था वो याद करने में, या फिर जो फ्यूचर में करना चाहता है उसके बारे में सोचने में ही वेस्ट कर देता है। दोस्तों, ऐसा करना अपना टाइम वेस्ट करना है, क्योंकि जो पास्ट में हुआ उसे इंसान कभी नहीं बदल सकता, और जो फ्यूचर में होगा वो किसी ने नहीं देखा। इसलिए हमेशा अपने थॉट्स को कंट्रोल करके प्रेजेंट टाइम यानी वर्तमान काल में अपने काम पर फोकस करना चाहिए। फैक्ट नंबर 8, हर्ड बिहेवियर। दोस्तों, आपने भेड़ चाल के बारे में तो सुना ही होगा, यानी जो सब लोग कर रहे हों उन्हीं को देखकर हम भी वही करने लग जाते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान बहुत सारे लोगों को कोई एक चीज करते हुए देखता है तो वो बिना सोचे समझे वही काम करने लग जाता है। वो इंसान ये भी नहीं देखता कि इसमें मेरी सक्सेस के चांसेस है भी या नहीं, मैं इस चीज के लिए बना भी हूँ या नहीं, यानी मेरा पैशन है भी या नहीं। दोस्तों, साइकोलॉजी कहती है कि यह एक तरह का सोशल प्रेशर है, जिसमें हमें ये फील होता है कि जब सब लोग ये काम कर रहे हैं तो ये सही होगा, इसीलिए आप हमेशा उस काम को करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। फैक्ट नंबर 7, एलिस इन द वंडरलैंड सिंड्रोम। दोस्तों, ये किसी अजीब साइकोलॉजिकल बीमारी है जिसमें जिस भी इंसान को होती है वह किसी भी चीज को बहुत छोटा देखता है। जी हाँ, और इसमें इंसान को ऐसा भी लगता है कि जैसे कोई पास रखी चीज भी बहुत दूर रखी है। आपने अक्सर मूवीज में देखा होगा कि कैसे एक सुपरमैन या हीरो एक बड़ी बिल्डिंग से भी बड़ा होता है, और उसके सामने लोग और बड़ी चीजें एकदम छोटे छोटे दिखते हैं। ठीक वैसे ही इस बीमारी में इंसान को ऐसा लगता है कि सब चीजें उससे छोटी है। दोस्तों, इस बीमारी का कारण आंखें नहीं है, बल्कि ये दिमाग में गलत सिग्नल पहुंचने के कारण होती है। इस अमेजिंग फैक्ट के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि Amazon, Ajio, Myntra जैसी साइट्स पर साल की सबसे बड़ी सेल स्टार्ट हो चुकी है। आपने शॉपिंग करना भी स्टार्ट कर दिया होगा, इतना भारी भरकम डिस्काउंट जो मिल रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको जो डिस्काउंट मिल रहा है ऑलरेडी, उसके ऊपर भी आपको अलग से कैशबैक मिल सकता है, आप और ज्यादा पैसे बचा सकते हो, तो कैसा रहेगा? आई थिंक मजा आ जाएगा। तो मैं आपको बताता हूं कैश करो के बारे में। कैश करो आपको देता है सारे डिस्काउंट्स के भी ऊपर कैशबैक। कैश करो इंडिया की लार्जेस्ट कैशबैक ऐप है, जो रतन टाटा जी के द्वारा फंडेड है, तो ट्रस्ट तो पूरा है। कैश करो में आप Amazon, Myntra, Ajio जैसी 1500 से ज्यादा वेबसाइट्स पर सारे डिस्काउंट्स के भी ऊपर कैशबैक अर्न कर सकते हो, यानी डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, अलग से कैशबैक और मिलेगा। इस ऐप को यूज करना काफी सिंपल है, आपको बस डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कैश करो को डाउनलोड करना है, या फिर आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, और ऐप इंस्टॉल होने के बाद उसमें मेरा कोड Proton25 यूज करना है, जिससे आपको 25 रुपीज एज ए साइन अप बोनस इंस्टेंटली मिल जाएगा। उसके बाद आपको जिस भी वेबसाइट से शॉपिंग करनी है उसको सर्च करो, फिर ऑरेंज बटन पर क्लिक करो, कैश करो आपको उस वेबसाइट पर ले जाएगा। अब आप जैसे नॉर्मली शॉपिंग करते हैं वैसे शॉपिंग करो, और आपको आपका कैशबैक कैश करो में माई अर्निंग सेक्शन में मिल जाएगा, जिसे आप सीधा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जल्दी जाओ, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कैश करो को डाउनलोड करो, और मजे से शॉपिंग करके ढेर सारा कैशबैक अर्न करो। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों, क्या आपको पता है कोई एक इंसान अपनी एक ही फोटो को सोशल मीडिया पर बार बार पोस्ट क्यों करता है? क्या आपको पता है कि ऐसे इंसान एक बीमारी से ग्रसित होते हैं? जी हाँ दोस्तों, ऐसा इंसान अधिकतर यह सोचकर अपनी एक ही फोटो को WhatsApp, Facebook या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बार बार डालता रहता है कि वो बहुत सुंदर है। उसके किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर आपको सिर्फ एक ही फोटो दिखेगी जो वो हर दिन बार बार अपलोड करता है। वैसे ये बीमारी बहुत कम ही लोगों को होती है, पर जब भी आपको कोई ऐसा इंसान दिखे तो समझ लेना वो मानसिक रूप से बीमार है। फैक्ट नंबर 5,
सेल्फ कैनिबलिज्म। दोस्तों, एक बहुत ही अजीब व खतरनाक बीमारी है जिसके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, इसमें इंसान खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। इस बीमारी को लेस निहान सिंड्रोम भी कहते हैं। इस बीमारी में इंसान किसी और के शरीर को नहीं बल्कि अपने ही शरीर को खाता है, यानी खुद अपने दांतों से अपने शरीर को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन ये बीमारी करोड़ों लोगों में से किसी एक को ही होती है, इसलिए जब भी ऐसी बीमारी किसी को होती है तब उस केस में डॉक्टर्स को उस इंसान के दांत हटाने पड़ते हैं ताकि वो अपने शरीर को और ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए। दैट्स रियली अमेजिंग। फैक्ट नंबर 4, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सोशल मीडिया के कारण एक और मानसिक समस्या जो तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रही है। इसमें एक इंसान को दूसरों की पर्सनल लाइफ के बारे में जानने में बहुत दिलचस्पी होती है। ये एक मेंटल प्रॉब्लम होती है जिसमें इंसान को हर समय पीछे छूटने का डर सताता रहता है। इस कारण वह कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे ताकि उसे पता हो कि दूसरे लोग अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर क्या पोस्ट कर रहे हैं। यह एक शुरुआत होती है जो कि धीरे धीरे आदत में बदलने लगती है। ऐसे में व्यक्ति दूसरे की पर्सनल लाइफ के बारे में अधिक से अधिक जानने के लिए बेचैन होने लगता है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, क्या आपको भी भूतों से डर लगता है? और जब भी आप कभी अकेले होते हैं तो आपको भी ऐसा लगता है कि कहीं भूत आपको मार ना दे? जी हाँ, लगभग हर वो इंसान जिसको भूतों से डर लगता है वो ऐसा सोचते हैं कि कहीं भूत उसे ख़त्म कर देंगे या मार देंगे। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि भूत, प्रेत या आत्मा कभी भी किसी इंसान को मार नहीं सकती। उसमें इतना पोटेंशियल नहीं होता कि वो आपको मार सकें। जबकि ये एक मानसिक बीमारी है जिसके अंदर इंसान को लगता है कि उसके अंदर किसी की आत्मा आ गई है और वो खुद को ही नुकसान पहुंचाता रहता है। फैक्ट नंबर 2, मनी कांट बाय हैप्पीनेस। दोस्तों, आपने भी ये शब्द कहीं ना कहीं ज़रूर सुने होंगे। क्या आपने सोचा है कि पैसे से अच्छी चीज़ें खरीदी जा सकती है? सभी बहुत सारा पैसा चाहते हैं, फिर भी ऐसा क्यों कहा जाता है कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस? तो दोस्तों, इसका रीज़न ये है कि जब किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है जिसमें उसकी सारी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती है, उसे खाने पीने की परवाह नहीं करनी पड़ती, वो खुलकर शॉपिंग कर पाता है, वो कोई भी नई गाड़ी या लेटेस्ट गैजेट्स खरीद पाता है, उसे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, यानी इन सारी बेसिक नीड्स के पूरे हो जाने के बाद एक्स्ट्रा पैसा कोई खुशी नहीं देता, इसीलिए कहा जाता है कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, साइकोलॉजी कहती है कि जब हम हमारे दिमाग को किसी काम के लिए एक बड़ी डेडलाइन दे देते हैं, यानी लॉन्ग टर्म डेडलाइन सेट करते हैं, तो हमारा दिमाग कुछ इस तरह से काम करता है कि यार, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, अभी से इतना टाइम और एनर्जी देने की कहाँ ज़रूरत है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब आपको कोई ऐसा काम दिया जाए जिसे आज के आज ही पूरा करना है, जो बहुत ही अर्जेंट होता है, तो आप उसे उसी दिन आखिरी टाइम में पूरा कर देते हो। That's amazing and simple. तो दोस्तों, कैश करो आपको शॉपिंग में फ्री कैशबैक दे रहा है। डिस्क्रिप्शन से कैश करो को डाउनलोड करो एंड 25 रुपीज पाने के लिए मेरा कोड Proton25 यूज करना मत भूलना। कैश करो से शॉपिंग करना अपनी हैबिट बना लो। सो अर्न करो विद कैश करो। दोस्तों, अब बारी आती है बोनस फैक्ट की। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को अंत तक पूरा देख लिया है और अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आई है और आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हो, तो इसका मतलब है आप इस वीडियो को लाइक करना चाहते हो। और अगर आपने इस वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर दिया तो आपके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको स्माइल आई या नहीं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको कौन सा फैक्ट सबसे अमेजिंग और मज़ेदार लगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ऐसी अमेजिंग और गजब की साइकोलॉजिकल फैक्ट्स की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड लव यू ऑल।